दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AKP ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों तो बात कर लेते हैं, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है HSC क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोज़ का विश्लेषण करके और सोशल मीडिया पर वो पोल करके ये वीडियो बनाई है, और बहुत सारे बच्चों के, कम से कम 18,000 बच्चों के करीब कमेंट आए हैं कि सर इतनी रहेगी कट ऑफ। तो दोस्तों देखते रहिए, HSC क्लर्क की फाइनल जो कट ऑफ इस वीडियो में दिखाई गई है। अगर किसी भी कैंडिडेट जो जिसकी क्लर्क में DV हुई है, उस इस वीडियो में जितने नंबर बताए गए हैं उससे अगर कम है तो उसको अपनी पढ़ाई जारी रखने की ज़रूरत है, और जारी क्या और भी खींचने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि कोरोना के चलते HSC एग्ज़ाम नहीं लेने वाली। वो लेगी, चाहे लेट 2 महीने ले, लेट 4 महीने ले, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर लेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो इसमें कट ऑफ दिखाई गई है 100% पक्का है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो दोस्तों जर्नल की कट ऑफ है 73+2 और -2। जी हाँ दोस्तों, क्लर्क की जो कट फाइनल कट ऑफ है 100 में से वो 73 के ऊपर 2 बढ़ सकती है या 2 घट सकती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है BCBA की, उसकी 67+2 -2 रहेगी, और BCA की 66+2 और -2 रहेगी, SC की 63+2 और -2 रहेगी, EWS की 69+2 और -2 रहेगी। दोस्तों कुछ बच्चे सोचते हैं कि EWS की जर्नल से कम रहेगी, लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, जर्नल कैटेगरी के जो 40% बच्चे हैं वो EWS पे फार्म डालते हैं, इसलिए EWS में भी उतना ही कंपटीशन हो गया है जितना जर्नल में हो गया है, इसलिए कोई एक आध नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ट की है 50 के आसपास रहेगी, 50+2 हो जाए या -2 हो जाए, ठीक है दोस्तों। HSC कर रहा है क्लर्क फाइनल रिजल्ट घोषित करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी हाल ही में बयान आया है कि सितंबर माह के एंड तक जो HSC क्लर्क का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों HSC के कैंडिडेट हैं जो अपनी मुहिम जारी की हुई हैं वो HSC के हेडक्वार्टर पंचकूला भी जा रहे हैं साथ के साथ, और रिजल्ट को घोषित करवाने के लिए बहुत सरकार पे जो प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कल उम्मीदवार जल्दी रिजल्ट घोषित करने के लिए बार बार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से अपील, कोशिशें होंगी ज़रूर कामयाब, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने अगर रिजल्ट के लिए कोशिशों तो करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपका पेपर था, आपकी मेहनत थी, और सरकार पे आपको प्रेशर भी डालना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है दोस्तों। सितंबर 2019 में हुई थी भर्ती, और अभी सितंबर में ही 2020 में एक साल बाद रिजल्ट घोषित होने जा रहा है, तो दोस्तों आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। और मैं दोस्तों फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ, HSC कैंडिडेट जिसकी भी फाइनल DV हुई है, अगर इस वीडियो में दिखाए गए कट ऑफ से कम उसकी कट ऑफ है, तो उसको अपनी तैयारी जारी रखने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। भविष्य में अगर दोस्तों आपको जॉब पानी है तो आपकी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आई थी अभी 2950 बच्चों की, उससे कुछ फर्क पड़ेगा कट ऑफ है, नहीं दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिनका वेटिंग में हुआ है उनका अगर क्लर्क में होना है तो पक्का होके ही रहेगा, और 5 नंबर में मिलेंगे, क्योंकि उनकी DV हो चुकी है और 5 नंबर का उनको क्लेम मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।